नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एग्जॉटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। तो दोस्तों आज है संडे और हर संडे की तरह एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने संडे क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को जल्दी से कर ले सब्सक्राइब, घंटी को दबा दे और ऑल सेलेक्ट कर ले। तो चलिए जल्दी से बढ़ते आगे और लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल, पहला कमेंट। पहला सवाल है जगमोहन विजय भाई, मेरे पास 6 मेल है एक फीमेल है, मैं ब्रीडिंग मेल कैसे चूज करूँ सेपरेट केज के लिए संडे रिप्लाई। भाई एक फीमेल है 6 मेल है, आप एक जोड़े को सेपरेट करना चाहते हैं, 6 मेल में से एक मेल आपको चूज करना है। तो भाई एडल्ट फीमेल है आपके पास, तो एक एडल्ट मेल जो भी आपको पसंद हो उसमें से उसके साथ छोड़ देंगे तो भाई पेयरिंग हो जाएगी और पेयरिंग होने के बाद बिल्कुल भाई ब्रीड भी होगी। तो इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, एडल्ट मेल ले ले, फिट मेल ले ले जिसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप चूज़ कर ले 6 मेल में से कोई भी जो भी आपको फिट लगे अच्छा लगे उस मेल को फीमेल के साथ डाल दें। अमृतसर बजीज, मेरी कॉलोनी में 60 मटकियाँ हैं, मेरे पास 40 पेयर हैं, फिर भी फीमेल बजीज अपने एग फेंक देती है, प्लीज़ आंसर। भाई कॉलोनी में जब हम ब्रीड लेते हैं एक साथ इतने सारे जोड़े होते हैं कॉलोनी में तो ये सब हमें देखने को मिलता है, ये कुछ फीमेल ऐसी हो जाती है, तो आप अपने बर्ड्स पर नज़र रखें, कोई ना कोई एक फीमेल ऐसी होगी जिसकी आदत ऐसी हो गई होगी जो कि दूसरी मटकियों में जाकर वो मटकी सेलेक्ट करना शुरू कर रही होगी, तो ऐसा भी कुछ फीमेलें करना शुरू कर देती तो आप नज़र रखेंगे तो वो फीमेल आपकी नज़र में आ जाएगी और उस फीमेल को पकड़ के फिर आप चाहे तो अलग भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी फीमेलें कई बार बहुत नुकसान भी करती है। और एक डिटेल में वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो वो वीडियो आप देखेंगे तो कुछ और जानकारी आपको उस वीडियो से भी मिल जाएगी, क्योंकि अंडे बाहर फेंकने की और भी काफ़ी वजह होती है। सन गेमिंग 2, मेरे पास एक पेयर है, उसने 6 बार एक ख़राब किए हैं, क्या करें जिससे एक ख़राब ना हो, संडे Q&A प्लीज़। देखिए अंडे ख़राब होने की बहुत सारी वजह होती है, जिसमें एक वजह टेम्परेचर भी है, अगर आप गर्मी में ब्रीड लेते हैं तो कई बार गर्मियों में अंडे ख़राब हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि मादा जो है वो कई बार मटकी में जाकर अंडों पर नहीं बैठ पाती है जिससे अंडे ख़राब होते हैं। उसके बाद जो है आपने केज में स्टिक जो लगाई है वो कैसे लगाई है, कहीं स्टिक सही तो नहीं सही है या नहीं है, क्योंकि स्टिक की वजह से हो सकता है कि मेटिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो ये भी वजह हो सकती है। अगर स्टिक भी सही है तो मेल को देखेंगे कि मेल जो है वो क्रॉसिंग जो कर रहा है वो क्रॉसिंग सही से हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। उसके बाद मटकी या बॉक्स जो भी आपने लगाया कहीं उसमें तो कमी नहीं है, कहीं मटकी या बॉक्स तो सही है या नहीं है, उसकी वजह से भी ये सब देखने को मिल सकता है। उसके बाद अंडे देने के बाद मादा अंडों पर प्रॉपर बैठ रही है नहीं बैठ रही है इस पर भी आप ध्यान रखें, बाकी कैल्शियम विटामिन का ख्याल रखें, अच्छी डाइट दें, ये सारे पॉइंट जो है मैंने बताए हैं, इसकी ये वजह भी हो सकती है। उसके बाद देखिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि 6 बार कंटिन्यू अंडे ख़राब किए हैं तो कहीं ना कहीं जोड़े में प्रॉब्लम है, आप जोड़े को एक बार चेंज करके देख लें, बिल्कुल आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको देखने को खुद ही मिल जाएगा। दत्त विवेक 999, भाई मेरे बजी तोते का जोड़ा भी लग गया है, मेल फीमेल भी कंप्लीट है, फुल एडल्ट भी है, मादा मटकी में भी जाती है, मेल मेटिंग करने की कोशिश करता है पर फीमेल मेटिंग नहीं करने देती है, क्या करें भाई प्लीज संडे रिप्लाई। भाई देखिए जोड़ा जब भी लगता है तो मटकी लगाने का भी एक समय होता है, जोड़े को एक साथ रखें, जोड़ा जब बन जाए उसके बाद हमें मटकी लगानी चाहिए, ये होता है मटकी लगाने का तरीका। अब मटकी लगाते ही तुरंत क्रॉसिंग होना स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है ना, मेल फीमेल मटकी के अंदर आना जाना शुरू करते हैं, फीमेल फिर मटकी में बैठना शुरू करती है, तो कुछ दिन ऐसे ही लगा रहता है, जब फीमेल मटकी से सेटिस्फाइड हो जाती है तब जाकर क्रॉसिंग होना स्टार्ट होती है, तो थोड़ा सा वेट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ा लगा हुआ है फीमेल मटकी में भी जा रही है तो थोड़ा सब्र और कर ले, बाकी अच्छे से केयर करें, अच्छी डाइट दें, कैल्शियम विटामिन का कोर्स नहीं करवाया है तो करवा दें, बहुत जल्द क्रॉसिंग भी स्टार्ट हो जाएगी और अंडे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। HK गेमर, बजीज के चिक्स कितने दिन के हो जाएं तो उन्हें सॉफ्ट फूड दें प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई बजीज पैरट्स के बच्चों को सॉफ्ट फूड तो हमें कंटिन्यू देना ही पड़ता है, जब वो मटकी में अंडे में से बच्चा निकलता है उस समय भी हम सॉफ्ट फूड देते ही रहते हैं ताकि उनके जो पेरेंट्स हैं नर मादा वो सॉफ्ट फूड खाए और अपने बच्चों को भी खिलाए, वो जब तक बच्चे बड़े होते हैं तब तक हम कंटिन्यू देते हैं, बच्चे मटकी से बाहर भी आ जाते हैं तब भी हम सॉफ्ट फूड देते हैं, तो सॉफ्ट फूड तो भाई देते ही रहना है, ठीक है ना, सॉफ्ट फूड कंटिन्यू दें आप, डेली दें, जितने बर्ड्स हैं आपके पास उस हिसाब से उसकी मात्रा को ध्यान में रखते हुए सॉफ्ट फूड दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है।
फहद पिजन लवर, मेरे पास एक पैर है, उसे मुझे 4 मंथ हो गए हैं लाए हुए, तो उसे ब्रीड कब ली जाए, प्लीज संडे रिप्लाई। भाई 4 मंथ आपको हो गए हैं तो जोड़ा भी लग गया होगा अगर मेल फीमेल कंफर्म है तो, और अगर गर्मी आपके यहाँ कम हो गई हो, मौसम बिल्कुल सही है, तो आप इनसे ब्रीड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किरण दागदी, हमारे कॉकटेल ब्रीडिंग बॉक्स में जाते हैं, क्रॉसिंग भी करते हैं, फिर भी अंडे नहीं आते, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए अगर कॉकटेल पैरोट्स बॉक्स में भी जा रहे हैं, क्रॉसिंग भी हो रही है, उसके बाद भी अंडे नहीं आ रहे हैं, तो आप फीमेल को चेक करें कहीं उसे चर्बी तो नहीं लगी है, क्योंकि ऐसा होता है, मेरे पास भी ऐसा हुआ था, वीडियो चैनल पर मौजूद है, फीमेल को चर्बी लग गई थी और उस फीमेल ने एग नहीं दिए जबकि उसकी क्रॉसिंग हो रही थी। चर्बी की पहचान कैसे करेंगे आप, तो वो वीडियो चैनल पर मौजूद है जिस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा तो आपको कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। एक्स मैन गोड, भाई मेरे पास 2 पैर हैं, वो मेटिंग भी कर रहे थे, मैंने केज में एक मटकी भी लगा दी थी और फीमेल मटकी में जाने लग गई थी, मैंने उसमें से एक मटकी और लगा दी, तो अब फीमेल मटकी में नहीं जा रही है, मेटिंग भी नहीं कर रही है, मेटिंग हुए 6-7 दिन हो गए, क्या एग फंस गया है, प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई आपने मटकी लगाई, पहले शायद बिना मटकी के क्रॉसिंग हो रही थी जैसा आप बता रहे हैं, वैसे मुझे लग रहा है, उसके बाद आपने मटकी लगाई और क्रॉसिंग बंद हो गई, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ा लगा हुआ है, मटकी आपने लगाई तो कोई दिक्कत नहीं है, मटकी में वो आना जाना स्टार्ट करेंगे और दोबारा से क्रॉसिंग स्टार्ट हो जाएगी, आप ज़्यादा टेंशन ना लें और केज में ज़्यादा बदलाव बार बार ना करें, ठीक है ना। एक बार आप जो भी मटकियाँ लगानी है, जिस साइड में मटकियाँ लगानी है आप लगा दें और जोड़ों को उनके हाल पर छोड़ दें, जल्दी आपको क्रॉसिंग होते हुए देखने को मिलेगी। अब्दुल हनन, भाई मेरे बजरीगर के 2 पैर हैं, 3 बार ब्रीडिंग ली है, 6 एग देते हैं, 5 बच्चे तक निकालते हैं, बट 1 से 2 बच्चे पाल पाते हैं, दोनों पैर ऐसा करते हैं, 3 बार ऐसा किया है, क्या प्रॉब्लम है, संडे रिप्लाई मी प्लीज़। भाई देखिए बच्चे अगर जोड़ा नहीं पाल रहा है तो इसमें एक सबसे बड़ी वजह होती है सॉफ्ट फूड की, अगर आप सॉफ्ट फूड नहीं देते हैं तो बच्चे नहीं पालने की ये वजह हो सकती है, और अगर आप सॉफ्ट फूड देते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं जोड़ा जो है वो सही नहीं है, क्योंकि कुछ जोड़े होते हैं जो कि बच्चों को सही से नहीं पालते हैं, स्पेशल जोड़े में मेल अगर किसी जोड़े का सही नहीं है तब ये सब हमें देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चे पालने का जोड़े में ज़्यादा काम मेल का होता है, अगर किसी जोड़े का मेल सही नहीं है जो कि बच्चों पर ध्यान नहीं देता है, बच्चों को प्रॉपर फीड नहीं करवाता है, तो ऐसे में मादा जो है ज़्यादा बच्चों को नहीं पाल पाती है, तो ये सब हमें देखने को मिलता है, बाकी आप थोड़ा मेल पर नज़र रखिएगा आपको खुद ही पता चल जाएगा। सुरेश सुमदा, भाई मेरे पास केज है एक, लेंथ 4 फीट, हाइट 3 फीट, डेप्थ 3 फीट, तो मैं कितने बजीज पैरट्स पैर रखूं, प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई ये जो साइज़ है आपका, इस साइज़ के केज में आप लगभग 15 जोड़े आप रख सकते हैं, ठीक है ना। स्टार फ्लूट लवर, विजय भाई बजीज के 10 बच्चे एक पैर से पलवा सकते हैं क्या, क्योंकि मुझे फॉस्टरिंग करना है, क्या ये पॉसिबल है, संडे Q&A रिप्लाई प्लीज़। देखिए एक जोड़े से 10 बच्चे पलवा सकते हैं या नहीं, देखिए मेरी बात को अच्छे से समझिएगा, पहले बात करते हैं कि एक जोड़ा मादा जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने अंडे देती है। देखिए 4 अंडों से लेकर 8-9 अंडे तक, कई बार 10 अंडे भी मादा दे देती है, लेकिन हर जोड़ा ऐसा नहीं होता है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 अंडे हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ जोड़े होते हैं जो कि 9-10 अंडे भी दे देते हैं, मेरी भी कॉलोनी में काफ़ी सारे जोड़े ऐसे थे जो जिनकी अंडों की क्वांटिटी इतनी होती थी और बच्चे भी सभी निकाल देते हैं, लेकिन अगर पालने की बात करें तो एक जोड़ा इतने सारे बच्चों को, अपने खुद के बच्चों को नहीं पाल पाता है, वो क्या होता है कि अंडों में गेप हो जाता है। देखिए अगर 9 अंडे मटकी में आए हैं तो पहला बच्चा जो निकलेगा, पीछे जो बच्चे निकलेंगे तो फिर उनके अंदर एक एज का डिफरेंस आ जाता है, जिसमें बड़ा बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है और छोटा बच्चा काफ़ी छोटा होता है, तो ऐसे में एक दूसरे के नीचे दबकर भी बच्चे मरते हैं, और कई बार इतने बच्चे जब होते हैं, एज में गेप होता है, तो जोड़ा छोटे बच्चों को फीड नहीं करा पाता, बड़े बच्चे जल्दी फीड ले लेते हैं और छोटे बच्चे मर जाते हैं। फिर हम करते हैं फॉस्टरिंग।
फॉस्टरिंग करने का भी तरीका होता है। मैं भी अपनी कॉलोनी में फॉस्टरिंग करता हूँ और वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पलवाए जाए, जो जोड़े कम बच्चे पाल रहा होता है उससे ज़्यादा बच्चे पलवाएं। अब मैक्सिमम जो है, कई बार जो अच्छे जोड़े होते हैं, अच्छे जोड़ों की बात कर रहा हूँ, जो कि 7 बच्चे भी पाल लेते हैं, 6, 7, 8 बच्चे भी कुछ जोड़े अच्छे होते हैं जो कि पाल लेते हैं, और काफ़ी जोड़े जो होते हैं वो 4-5 का एवरेज होता है। तो मैं भी नज़र रखता हूँ, और जो भाई कॉलोनी ब्रीडिंग लेता है इन सब पर वो नज़र रखता है कि कौन से जोड़े ऐसे हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पालते हैं और कौन से जोड़े ऐसे हैं कि कम बच्चे पालते हैं। तो हम क्या करते हैं कि बच्चों को शिफ्ट करते हैं, छोटे बच्चे एक मटकी में कर, बड़े बच्चे एक मटकी में कर, इस तरीके से हम बच्चे ना मरें इसके लिए जोड़े से हम अच्छे से बच्चे पलवा भी लेते हैं। अब बात है कि एक जोड़े से इतने बच्चे पलवा सकते हैं या नहीं। देखिए 10 बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो 10 बच्चे जोड़ा नहीं पाल पाता है और उसे जो है कहीं ना कहीं बच्चे आगे चलकर मरते हैं अगर हम ऐसा करें तो। पहली बात तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक अगर अच्छा जोड़ा भी है तो उसे इतने सारे बच्चे नहीं पलवाना चाहिए, इतना लोड जोड़े को नहीं देना चाहिए जिससे कि जोड़े को बच्चे पालने में इतनी मेहनत करनी पड़े। क्योंकि देखिए बच्चे ज़्यादा होंगे तो जोड़े को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, दाना खाने में, सॉफ्ट फूड खाने में, बार बार बच्चे को फीड करवाने में, तो इसका असर जोड़े की हेल्थ पर भी पड़ेगा और जोड़ा जो है वो बीमार भी हो सकता है और एक्सपायर भी हो सकता है, क्योंकि मेहनत बहुत उसे करनी पड़ेगी और इस कंडीशन में कई बार जो है बच्चे को भी वो मारना शुरू कर सकता है, तो बहुत सारी दिक्कत प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती है और हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। हमें नज़र रखनी चाहिए जो जोड़े अच्छे हैं बच्चों को पालते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 बच्चे आप एक जोड़े को दे दें जो कि अच्छे से बच्चों को पाल रहे होते हैं, और कोशिश करें आप जो बच्चे नहीं पाल पाते हैं उनको 4 बच्चे दे दें, 5 बच्चे दे दें। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, 4-5 का एवरेज लेके चलता हूँ, हर मटकी में इतने बच्चे पलवा देता हूँ और एक अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि कॉलोनी ब्रीडिंग लेते हैं तो एक जैसा रिज़ल्ट हमें हर मटकी में नहीं देखने को मिलता, कहीं पे जोड़ा 3 बच्चे पाल रहा होता है तो कहीं में 7-8 बच्चे होते हैं, तो फिर बच्चों को शिफ्ट कर हम ये एवरेज बना देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई जोड़ा अच्छा भी है, मैं तो कहता हूँ कोई आपकी नज़र में अच्छा जोड़ा है जो कि 9-10 बच्चे पालता है, तो उसको इतने बच्चे देने भी नहीं चाहिए, उसके बच्चे दूसरी मटकी में शिफ्ट कर देना चाहिए ताकि उसको इतना लोड ना पड़े उसके ऊपर और उसकी हेल्थ भी अच्छी बनी रहे और आगे भी उनसे हम ब्रीड कंटिन्यू लेते रहें। तो कोशिश करें कि 4-5 का एवरेज लेके चलें तो ठीक है, बढ़िया एवरेज है। 3 बच्चे भी आते हैं एक मटकी में तो मैं उस एवरेज को अच्छा ही मानता हूँ, ख़राब एवरेज नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है, तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों यहीं थे आज के सवाल, और उम्मीद करता हूँ जो जवाब मैंने दिए उससे आपको संतुष्टि हुई होगी। कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो अपने सवाल दोबारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।